कत्ल करने का एक प्रयास। इंसाफ दोहरा मापदंड नहीं अपना सकता। मानवीय जीवन का कोई पैसों से मूल्य नहीं लगा सकता, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। मैं लवप्रीत जी के पिता से बात कर रहा था और वो यहां पे भी वही भावना दोहराई गई। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी और मैं इंसाफ चाहते हैं, नहीं चाहिए हमें पैसे। एविडेंस है, वीडियो है, FIR में नाम है, विटनेस कह रहा है कि मैंने देखा, मैंने बाजू पकड़ी। FIR में उसका पूरा सुरलेख। तो फिर गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही कि मंत्री जी के बेटे हैं, मुंसिफ कातिल हो गए। अगर रखवाला ही जुर्म करने लगे तो किसके दरवाजे पे दस्तक करेगा गरीब आदमी? बहुत हुआ। आज अगर आप किसान आंदोलन को देखेंगे तो विश्वास उठ गया है इस सिस्टम से, किसान भाइयों का भी विश्वास उठ गया है। मैंने तब भी मांग की थी कि क्योंकि FIR में नाम है, आई विटनेस है, प्रूफ है, एविडेंस है, मंत्री जी के बेटे को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं तो अरेस्ट होनी चाहिए। पुलिस अगर चाहे तो बाल की खाल भी निकाल सकती है, कितनी एफिशिएंट है। लेकिन क्यों नजरअंदाज हो रहा है ऐसा, ये समझ में नहीं आता। मॉरल अथॉरिटी हम लोग खोते जा रहे हैं, किरदार लुप्त होते जा रहे हैं। सवाल विश्वास का है। ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ MLA ਦਾ ਵਫਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ।